क्या आपको भी चॉकलेट बहुत पसंद है? क्या आप भी उनमें से हैं जो हर बार केक खुद ही बनाते हो, बर्थडे अपना हो या किसी और का? क्या आप भी उनमें से हैं जो कि एगलेस केक ही बनाना चाहते हैं, जिसको केक में अंडा नहीं चाहिए? क्या आप भी केक बनाना चाहते हैं बगैर इस्तेमाल किए हुए ओवन का? क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा इस बात में यकीन रखते हैं कि रणवीर की रेसिपी कभी फेल नहीं होती? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार। आज बनाते हैं बगैर अंडे का, बगैर ओवन इस्तेमाल किए हुए लावा केक, यानी कि वो केक जब कटे तो बीच से बस चॉकलेट निकले 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 और रुके नहीं भाई साहब, म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। देखिए, केक कोई भी बनाना, उसमें हमेशा दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स होंगे, ड्राई और वेट। ड्राई यानी कि जो लिक्विड ना हो, और वेट यानी कि जो लिक्विड हो। सबसे पहले कोई भी केक बनाए तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स लें और उनको मिक्स कर लें। तो मात्रा कुछ यूं है कि आधा कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, ठीक है, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बराबर बराबर मिला हुआ, जिसकी संधि समझौता जिनमें हो रखा हो, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स पे। लिक्विड इंग्रेडिएंट में 1 टीस्पून नींबू का रस, 3 टेबलस्पून तेल, कोई भी न्यूट्रल ऑयल लीजिएगा जिसमें कि ज़्यादा स्मेल ना हो, और उसके बाद 1 से 1.5 टेबलस्पून वनीला एसेंस, ठीक है जी। इसके अंदर डालिए एकदम चिल्ड वाटर, उर्फ थरथराता हुआ ठंडा पानी। रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, चांसेस बहुत ज्यादा है। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हो गए, बस अब इसके अंदर डालेंगे अंडा, नहीं अंडे का सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अंडे के सब्स्टिट्यूट के लिए हम यहां पे यूज कर रहे हैं मिल्कमेड, लेकिन मिल्कमेड एक नए फॉर्म में, दिखाएं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और ये है नेस्ले मिल्कमेड मिनी। इनकी खूबी ये है कि ये 210 ग्राम के छोटे मिनी पैक में आते हैं। ये आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आराम से फ्रिज में इंतज़ार कर सकते हैं जब तक आप इनको अगली बार यूज़ ना करें। इसको आप ड्रिजल कर सकते हैं, रोटी पे लगा सकते हैं, ब्रेड पे लगा सकते हैं। फिर बच्चों के साथ हमको डर लगता ना यार, टिन देंगे तो कहीं हाथ हाथ ना कट जाए। बच्चों के लिए और छोटे पोर्शन डिजर्ट्स और मिठाई बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब हम 210 में से आधा यानी कि 105 से 110 ग्राम अपने लिक्विड के अंदर ऐड कर लेंगे, आधा पैकेट। बस ये लीजिए, इस्तेमाल किया, इसके बाद बंद करिए और वापस डाल दीजिए फ्रिज में। आपने अपने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए, है ना मजे की चीज एकदम, मिल्कमेड मिनी ईशान की फेवरेट है भाई साहब। जो है ईशान को अब टेंशन नहीं है, जब मन करता है फ्रिज से उठा लेते हैं, ले आते हैं और बोलते हैं चलिए कुछ बनाते हैं। एंड दैट इज द होल ब्यूटी ना, मतलब आप पोर करें, स्टोर करें, बेक करें, मेक करें, कुछ भी करें, साथ में करें। और जब परिवार जब साथ में खाना बनाता है ना, दैट इज रियल बॉन्डिंग। एटलीस्ट हमने तो ये रियलाइज किया है पापा बनने के बाद। तो यहाँ पर बेसिकली मिल्कमेड मिनी क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तो अंडे की लचक दे रहा है, एक इलास्टिसिटी दे रहा है जो एग से आती है। उसके बाद शुगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, शुगर की क्रीमीनेस और मिठास दे रहा है, शुगर की शाइन दे रहा है। उसके साथ में जो मुझे सबसे ज़रूरी लगता है, एक बाइंडिंग दे रहा है। सो बिटवीन इलास्टिसिटी, बाइंडिंग एंड द क्रीमीनेस ऑफ शुगर्स, वन साइज फिट्स ऑल। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है प्रोपोर्शन या अनुपात, राइट? डोंट फॉरगेट द रेशियो, जस्ट फॉलो द रेसिपी। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है कि मोल्ड को किस तरह से हैंडल करना है, वो अभी दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास ये मोल्ड है यहाँ पर, है ना। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्टील की कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मोल्ड को हल्का सा चिल कर लीजिए, हल्का सा ठंडा कर लीजिए, हार्ड बटर लीजिए, एकदम मेल्टेड बटर नहीं, हार्ड बटर, हार्ड बटर उसके ऊपर लगाइए, उसको स्प्रेड करिए ऐसे एकदम कोने कोने में स्प्रेड कर दीजिए, कोई कोना नहीं छूटना चाहिए, वरना जो कोना छूट गया वहीं पर केक चिपक जाएगा।
आप बनाने जाएंगे लावा केक और बन जाएगा ज्वालामुखी वहीं पर फटके, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ठीक है जी, ये जो ज्वालामुखी है इसका लावा हमारे काटने पे निकलना चाहिए। अब इसको फ्रीजर में डालना है 2 मिनट के लिए, इमिजिएटली जो बटर है वो जम जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये लीजिए, देख रहे हैं आप, हल्के हल्के धीरे धीरे अब बटर जो है वो जम चुका है। जमा हुआ बटर तुरंत देखिए कैसे फर्स्ट क्लास तरीके से मैदे को पकड़ रहा है। देखिए ये देखिए, थोड़ा पास से देखिए एकदम। अब ये रहा हमारा बैटर, जिसको बार बार नहीं चलाना, एक बार रेस्ट कर दिया, हो गया। ये डाइस्ड चॉकलेट है, चॉकलेट के पीस बिल्कुल सेंटर में डाल दूंगा मैं। सबसे बड़ी लावा केक की प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में कई बार ओवर कुक हो जाता है या पड़ा रह जाता है, तो हमको लगता है यार ये तो जो है बीच में से लिक्विड नहीं रहा। वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हमने ये कर दिया। अब एक और मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप चॉकलेट डालें, ये देख रहे हैं, आप ऐसे ना डालें चॉकलेट को, फ्लैट साइड नीचे डालें ऐसे। उससे क्या है, चॉकलेट नीचे तक जाके चिपकेगी नहीं, बीच में लटकी रहेगी, राइट। चॉकलेट जब काटे भी तो उसको ऐसे बर्फी की तरह काटें और फ्लैट साइड नीचे रखें, कोने वाली साइड नीचे ना रखें, वरना ये पकते पकते ऐसे धंसती चली जाएगी। दूसरा फॉर्मूला लावा केक बनाने का ये भी है, कुछ लोग ये भी करते हैं कि बैटर को ही कुक कर देते हैं, जो थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है कहते हैं वो लावा है। एक्चुअली वो लावा नहीं होता, मुझे शेफ मूवी की याद आ गई, वहाँ पर वो कहता है एन अनकुक्ड केक इज़ नॉट अ लावा केक, राइट। अब ये है हमारे पास है जी स्टीमर। जैसा मैंने कहा था मैं ओवन इस्तेमाल नहीं करूँगा, स्टीमर है। स्टीमर की स्टीम एकदम रेडी जब हो जाए, सेट हो जाए, तो उसके बाद पहले इसको हाई स्टीम पे डालें, यानी कि डालने के बाद तुरंत से गैस तेज कर दें। जब ये भाप बनेगी, एकदम से भाप बनेगी, तो एक राइज आएगा जिसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग। जब वो स्प्रिंग आएगा 1 से 1.5 मिनट के बाद, बाकी केक को पकने के लिए गैस को मीडियम कर दें, ठीक है। पुट इट ऑन हाई, सेट इट टू मीडियम। अगर आप लावा केक बना रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि सेंटर जो है उसका लिक्विड ही होगा, राइट, यानी कि स्टेबल केक नहीं होगा। तो इससे बड़े केक आप मत बनाइए, दिस इज द बिगेस्ट दैट यू कैन मेक। उसके बाद केक जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, केक नहीं होगा वो, मतलब कुछ सा और ही बन जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। तो दिस इज द बिगेस्ट यू कैन गो, या फिर हमारा वाला साइज या घर की कटोरी, वहां तक आप रह सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो ऐसे 3 केक बनाने का बैटर जो है वो इस रेसिपी में है। अगर आप मेरा वाला साइज छोटी वाली कटोरी इस्तेमाल करेंगे तो 5 से 6। इतने डिटेल में बता रहा हूँ मैं इस बार, इतने डिटेल में। अब अगर किसी ने गड़बड़ करी ना, नाराज हो जाऊंगा मैं। बहुत रिसर्च करी है मैंने इस केक के ऊपर। एक रिसर्च मैंने और करी है कि आप में से बहुत सारे लोग, लगभग 67% लोग वीडियोस बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं मेरे, उस बात की बड़ी नाराजगी है भाई साहब। तो उस रिसर्च की बदौलत थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए साहब, सब्सक्राइब करके देख लीजिए, एक ही बात है। थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब। नाइस, ब्यूटिफुल। बताइए, बगैर अंडे का है लेकिन टेक्सचर, शाइन, ग्लेज, इलास्टिसिटी, खूबसूरती किसी से कम नहीं है भाई साहब। ब्यूटिफुल, देखिए लग रहा है ना कि बीच से ज्वालामुखी जो है वो फट सकता है कभी भी। और यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी कि केक जो है वो पड़े पड़े पक जाएगा, बिकॉज अंदर चॉकलेट है, चॉकलेट। हमारा नेस्ले मिल्कमेड मिनी। Sit. It's like a chocolate toffee sauce. Milkmaid की बन गई टॉफी और उसमें हमने डाल दी चॉकलेट। गैस पे सिर्फ मेल्ट करना है मिल्कमेड को। That's it.
देखिए बन तो गया है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बड़े पर्दे के ऊपर कि किन पांच चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बैटर ज्यादा ना डालें, चॉकलेट ज्यादा डालें, बैटर अपने आप परत बना लेगा, ट्रस्ट द बैटर, ठीक है। दूसरी चीज, जो आप चॉकलेट डाल रहे हैं रेगुलर खाने वाली चॉकलेट आप डाल सकते हैं जो आम तौर पे सब जगह मिलती है, कोई स्पेशल चॉकलेट आपको उसके अंदर डालने की भरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जितनी जल्दी पिघलने वाली चॉकलेट होगी उतना आपके लिए अच्छा। तीसरी चीज, कम से कम 8 मिनट तक उसको स्टीम करें। चौथी चीज, अगर आप चाहें तो हल्की सी शुगर ऐड कर सकते हैं अपने बैटर में, मतलब 1 टीस्पून शुगर आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप 1 टीस्पून मिल्क मेड और बढ़ा सकते हैं अगर आपको और मीठा चाहिए तो। ओ, एक रह गई ना, पांचवी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, टेक इट आउट अर्लियर इफ यू हैव टू रीहीट इट। अगर आप इसको वापस से स्टीम करना चाहते हैं, माइक्रोवेव करना चाहते हैं तो 5 से 6 मिनट पर ही निकाल के रख लें, 4 मिनट में भी निकाल सकते हैं आप, राइट, ताकि बाद में आपका केक जो है वो ड्राई ना हो। दैट इज ऑल इट टेक्स टू मेक अ गुड चोको लावा केक, ठीक है जी। हुआ यूं कि पीछे एक दिन हमारा बॉयज नाइट आउट था मेरा और ईशान का, तो वहां पर मैंने बाहर से चोको लावा केक मंगाया, तो पहले तो ईशान ने मित्र वैसे देखा कि अच्छा हैं पिताजी हैं शेफ और केक मंगा रहे हैं चोको लावा बाहर से। दूसरी चीज, जब तक वो आया तब तक वो सब ठंडा गर्म हो चुका था, अंदर से कोई लावा नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। तब मैंने सोचा यार ये तो थोड़ी ज्यादती है, मतलब दुनिया के साथ चोको लावा केक की रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जितने मर्जी कोशिश कर लें यू कैन नॉट ऑर्डर इन अ गुड चोको लावा केक, बट यू कैन मेक अ गुड चोको लावा केक एंड नाउ यू नो हाउ, ठीक है ना। और सिर्फ चोको लावा केक ही क्यों साहब, आप सब कुछ बना सकते हैं। अब आप हर किस्म की बेकिंग कर सकते हैं, ब्राउनीज बना सकते हैं, पैनकेक्स बना सकते हैं, इंडियन मिठाइयाँ बना सकते हैं, साथ मिलके मिनी स्वीट स्टोरीज बना सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ मिलके बनाइएगा, बिकॉज जब सारा परिवार साथ में खाना बनाता है ना, इट गिव्स देम अ रीजन टू लाफ एंड दैट लाफ्टर एंड दोज मेमोरीज आर फॉरएवर, ठीक है। दिस इज रणवीर ब्रार साइनिंग ऑफ। अपनी मेमोरीज अपनी स्टोरीज बनाते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।